बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी आज की हमारी इंस्टॉलेशन है 5 किलोवाट की, और इन्वर्टर आपने देख लिया है, इन्वरक्स का लगा हुआ है। डिटेल की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, फिर भी दिखा देता हूँ। इसमें ये 5600 वाट है, और पीवी की इसमें 500 वोल्ट है, 450 MPPT रेंज है, और 48 वोल्ट DC में है, तो 6000 वाट पीवी है। तो ये हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अभी डक्टिंग शक्टिंग हो रही है, कटिंग शटिंग हमने इसमें कर ली है, और साथ साथ इंस्टॉलेशन करेंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, और बाकी इसके बाद इसकी जो लोड की वीडियो है वो भी चेक करवाएंगे। और विंटर है तो जारी बात है इतना लोड नहीं उठाएगा, उसमें भी कंडीशन क्या है, पैनल कौन से हैं, सारी चीज़ें आपको तफसील से दिखाएंगे, और कितना लोड उठाता है, ये नया मॉडल है, और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो साथ साथ काम करते हैं और साथ आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। तो ये हमारी जी वायरिंग कंप्लीट हो रही, साथ साथ हम आपको दिखा रहे थे। तो ये हमने खाली सोलर पे ऑन किया, ये हमारी नीचे से सेटिंग आ रही है इन्वर्टर के, और यहाँ पर तो जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे, और उसके बाद इस पर लोड और बैटरियों पर बात करेंगे। तो बैटरी अभी कनेक्ट नहीं है, ये हमारा VM2 मॉडल है, तो VM2 है, तो इसमें ये होता है कि ये विदाउट बैटरी सोलर पे काम करता है, कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं आता, बीप का एरर देता रहता है लेकिन काम करता रहता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ इसको बनाते जाएंगे और फिटिंग आपको कंप्लीट दिखाएंगे। अभी हमारा यहाँ पे चेंज ओवर आ जाना है, मेन और इनपुट और आउटपुट आ जानी है, बैटरी की वायर आ जानी है, और ये चीज़ें हम साथ साथ करेंगे। वेलकम बैक। तो ये हमारी बैटरियाँ आ गई हैं 1800 Osaka की, और यहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ ब्रेकर आ गए हैं, जिसमें वापडा के दो हैं, और एक आउटपुट का है, और एक DC ब्रेकर और सोलर का, यहाँ पे चेंज ओवर और ये है। तो ये हमारा तकरीबन फाइनल हो रहा है, अभी आप हम लोड इस पर डालेंगे तो वो भी आपको चेक करवाएंगे। तो फिटिंग हमारी इस तरह बन रही है, अभी फिनिश नहीं हुआ, फिनिश होगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो ज़बरदस्त फिटिंग होगी, तो बाकी आपने बताना है कि हमने कैसी फिटिंग की, अच्छी है नहीं है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। वेलकम बैक। तो ये जी हमारी फाइनल हो गया सिस्टम, और ये हमारे कहीं मिस हो गए, यहाँ पे दो इंडिकेशन के लिए लगते हैं 3, तो इंशाल्लाह ढूंढ के लगाएंगे। तो ये हमने वायरिंग की है कंप्लीट फिनिशिंग के साथ, नीचे प्रॉपर थिम्बल लगाए हैं बैटरियों को, और बैटरियों के साथ हमारा जो है वो नट टाइट हो गए हैं, 4 बैटरियाँ आ गई हैं, और ये हमारी फिनिशिंग है, देख सकते हैं आप, थोड़ा पीछे से होकर दिखा देता हूँ ये। तो प्रॉपर इसको अर्थ कनेक्ट है सिस्टम को, और न्यूट्रल फेस का जो अर्थ है वो कनेक्ट है। अभी हमारे पास जो है वो वावड़ा बंद है, ये बैटरी से आगे काम कर रहा है, आउटपुट लोड चल रहा है, चेंज ओवर जो हमारा है वो 1 पे सोलर होगा और 2 पे इमरजेंसी के लिए वावड़ा, अगर इन केस ये कोई मसला कर जाता है तो आप उसको शिफ्ट करके वावड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ब्रेकर आ गए हैं 2, ये हमारा आ गया आउटपुट सोलर का, ये हमारा आ गया है इनपुट इन्वर्टर के लिए, और ये हमारा आ गया बाईपास इनपुट चेंज ओवर के लिए। तो ये सिस्टम है यहाँ पे, और ये फाइनल हो गया। अब इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम बनाएंगे कि ये लोड कितना उठा रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है। तो सेटिंग जो है वो भी वीडियो बनाएंगे, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में बनाएंगे, और सारी चीज़ें आपको चेक करवाएंगे। स्मार्ट लोड का ऑप्शन इसमें नहीं है इस मॉडल में, तो ये मैक्सिमम लोड पर ही चलेगा।